तो आपने मेरे से मीटिंग बुक किया है, तो क्या क्वेश्चंस थे आपके, आप मुझसे शेयर कर सकते हो अभी? जी नया जी, डेफिनेटली। सो थैंक यू नया जी फॉर मुझे आपने इनवाइट किया और मेरे क्वेरीज जो है वो सॉल्व करने के लिए आपने आज टाइम निकाला है। तो नया जी, जैसे मैं देख रहा हूँ बहुत टाइम से आप वीडियो बना रहे हो यूट्यूब पर, ओके, आपके टीम के बारे में बता रहे हो, फॉरएवर लिविंग कंपनी के बारे में बता रहे हो। तो मतलब मैंने मैंने भी रिसर्च किया खुद से कि कंपनी क्या है क्या नहीं, राइट। तो मैंने बहुत बार देखा है कि बहुत लोग बोलते हैं कि ये कंपनी जो है ये फ्रॉड है, ओके, इसमें बहुत सारे फ्रॉड होते हैं। तो मुझे आपसे पूछना है क्लियरली, फेस टू फेस जो आप हो तो आपसे मुझे क्लियरली पूछना है, आप उसका जवाब बताइए कि क्या सच में फ्रॉड होता है यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप क्या सोचते हो, अभी आप क्या करते हो, पहले बताइए। जी मैं जॉब करता हूँ, मैं आईटी में हूँ, सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, मैं फुल टाइम जॉब करता हूँ अभी मैं। यस तो आप जब इसके बारे में सर्च कर रहे थे, तो आपके माइंड में मतलब क्या थॉट्स थे कि मुझे ये बिजनेस को करना चाहिए या क्यों करना चाहिए? क्या आपके माइंड में ऐसे कुछ थॉट्स आया था कि जब आपके सर्च कर रहे थे इस चीज को, तभी, क्योंकि जब हम कुछ सर्च करते हैं तभी हमारे सामने ही आता है कि हम, आपने बोला कि मैं इसे एक्सप्लोर कर रहा था, कि मैं इसके यस बारे में काफी सुन रहा था, तो आप इसे एक्सप्लोर कर रहे थे, ठीक है? यस तो यस आप क्या सोच के इसको एक्सप्लोर कर रहे थे और क्या क्या आपके माइंड में डाउट्स आए थे, तो आप मुझे भी थोड़ा सा ये भी बताइए। यस डेफिनेटली। तो जैसे मैंने कहा कि मैं जॉब कर रहा हूँ, है ना, और अभी जॉब का मुझे जॉब पर डिपेंड रहना नहीं है लाइफ टाइम, इसलिए मैं ऑनलाइन उस खरीदते तरीके देख रहा हूँ कि पैसे कैसे कमाए जाए ऑनलाइन। ओके, तो सैलरी जो है तो वो तो है ही फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम, लेकिन और भी सोर्स ऑफ इनकम मेरे लाइफ में मैं कैसे ऐड करूँ। ओके, जॉब से तो घर चल जाता है, लेकिन अगर मुझे कुछ और भी मेरी हॉबीज कुछ उसके लिए पैसा चाहिए होता है, राइट। तो इसलिए मैं सर्च कर रहा हूँ कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, राइट, और ऑनलाइन कौन से वो तरीके हैं, कौन से कंपनीज है जो बिजनेस दे रही है करने को, राइट। तो उसमें आपके और बाकी बहुत लोग के वीडियो मुझे दिखाई दिए कि फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ये भी एक कंपनी है जो घर बैठे बिजनेस करने का मौका देती है। ओके, तो मुझे लगा ये कंपनी के बारे में सर्च किया जाए, क्योंकि बहुत लोग अच्छा भी बोल रहे हैं उसके बारे में, लेकिन जितना मैंने डीप सर्च किया और लोग बोल रहे कि नहीं नेगेटिव है ये, इसमें फ्रॉड होता है, स्कैम होता है ना, तो वैसा सुनाई दिया मुझे। तो इसलिए मैं कन्फ्यूजन चाहता हूँ, क्लियर करो आप मेरा एक बार कि सच में एग्जैक्टली होता क्या है इसमें। तो जैसा कि आपने बोला कि मैंने सर्च किया और बहुत से लोग इसमें पॉजिटिव भी बोल रहे थे, बहुत से लोग नेगेटिव भी बोल रहे थे, तो आप मुझे बताओ कि क्या चीज ऐसी लगी आपको कि जो आपको लगा कि ये पॉजिटिव है, और क्या चीज ऐसी लगी आपको कि जो आपको लगा कि ये नेगेटिव चीज है? पॉजिटिव तो जब मैंने स्टार्ट किया सर्च करना तो कंपनी का प्लान जो है वो मैंने देखा, तो वो देख के तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए मैं डीप में गया रिसर्च करने के लिए कि सच में ऐसा होता है कि नहीं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सुना है कि उसमें कुछ लेवल होते हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर मैनेजर ऐसा कुछ लेवल होते हैं, राइट। तो आपका भी देखा मैंने वीडियो, आप सुपरवाइजर लेवल पे हो अभी, राइट। तो ये लेवल जो है आपने एक बार अचीव कर लिए तो लाइफ टाइम आप वो लेवल पे रहोगे, ऐसा मैंने सुना है, देखा कोई वीडियो में, तो दैट वो मुझे और इंटरेस्टिंग लगा। और अलॉन्ग विद दैट ये प्रोडक्ट जो है इसके एलोवेरा, तो एलोवेरा मतलब मैं मतलब जानते हो मैं पुणे से हूँ, इंडिया में ही रहता हूँ, राइट। तो इंडिया में एलोवेरा का यूज जो है, इंपॉर्टेंस जो है वो सभी जानते हैं, मेरे घर में भी एलोवेरा के प्लांट्स हैं। ओके, तो उसका भी हम कुछ ना कुछ यूज करते ही है, वो लीफ तोड़ के जो एलोवेरा निकलता है उसको स्किन पे कभी कभी लगाते हैं, और उससे हम लोग को फील होता है कि हाँ ये बहुत अच्छा प्लांट है, और अगर उस पर बेस्ड प्रोडक्ट कंपनी बनाती है तो सच में कंपनी अच्छा ही कुछ काम कर रही होगी। तो ये सोच के मैंने और रिसर्च किया उसके ऊपर, तो बहुत कुछ प्रोडक्ट तो देखे मैंने उसमें, एलोपीचेस वगैरह ऐसा कुछ प्रोडक्ट होते हैं, राइट, ड्रिंक्स वगैरह होते हैं, फिर सप्लीमेंट्स भी है उसके अंदर, सालमन ओमेगा वगैरह वो सब, राइट, आर्टिक सी वगैरह। तो सप्लीमेंट्स तो अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए, कोरोना जब कोरोना के बाद सबको समझ में आ गया कि मुझे भी समझ में आ गया था कि इम्यूनिटी बढ़ाना चाहिए, राइट। तो हेल्थ इंडस्ट्री में काम करती है आपकी कंपनी, राइट, तो हेल्थ इंडस्ट्री तो ग्रो करने वाली है आगे, राइट। तो मैं भी ऐसे ही घोड़े पर पैसा ना लगाना चाहता हूँ जो लंबी रेस का घोड़ा हो, राइट, जैसे आपकी कंपनी है जो काम कर रही है हेल्थ इंडस्ट्री में। तो इसलिए मैंने उस पर रिसर्च किया और फिर मैंने सोचा है कि चलो इसको मतलब ये इंटरेस्टिंग कंपनी है, करना चाहिए। लेकिन फिर मुझे दिखाई दिया कि मतलब कुछ लोग तो इसमें बोल रहे हैं कि नहीं नेगेटिव है, इसमें ये होता है वो होता है, राइट, स्कैम भी होते हैं, बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, राइट। तो इसलिए मैं रुका, कि मैं सोचा कि किसी से जो ऑथराइज पर्सन है तो उनसे क्लियरली बात किया जाए फेस टू फेस कि क्या है मुझे बताइए, ताकि ज्वाइन करने का मैं डिसीजन फास्ट ले सकूँ। यस प्रतीक, सबसे पहले तो मैं आपकी तारीफ करना चाहूंगी कि आपने पहले सर्च किया है इसके बारे में, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं ना, जल्दबाजी कर देते हैं इस बिजनेस में, क्योंकि इतना ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं तो फटाफट से या तो ज्वाइनिंग कर लेंगे या पैसा दे देंगे या पैसा लगा देंगे। तो आपने बहुत अच्छा काम किया कि आपने इसके बारे में सर्च किया, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट निकाले आपने इसके। अब मैं आपसे कहूंगी कि देखो, आपने नेगेटिव भी चीजें देख ली इसकी, पॉजिटिव भी चीजें देख ली इसकी। जो नेगेटिव चीजें देखी, क्या आप उन लोगों को देख सकते हो, क्या वो इस चीज में मतलब आगे बढ़े हुए हैं? क्योंकि हम नेगेटिव चीजें उनसे ही आती हैं जो ये काम को नहीं कर पाते, ठीक है? पॉजिटिव हमें उनसे ही मिलेगा जो इस काम में अच्छे सफल हुए हुए होंगे, सक्सेस हुए होंगे, ठीक है? ठीक है, अब हम मैं बात करती हूँ, जैसे मैं सुपरवाइजर लेवल पे,
आपने बोला, आपने खुद ही बोला कि मुझे आपका लगा कि यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट लगा कि एक ऐसा लेवल है जहाँ से कभी भी डाउनफॉल नहीं होता। ठीक है, आपको एक ऐसा ही चीज चाहिए कि जहाँ से आपको कभी भी डाउनफॉल ना, आप जैसे आप एक बिजनेस में, आप एक जॉब में हो, अब आप जॉब में कभी भी आपको जॉब से निकाल दिया जाए, अभी एक रिस्क टाइम है, आपका रिस्क फैक्टर है वहां पर, लेकिन आप एक बिजनेस में अगर यहाँ पर आ गए हो, एक लेवल आपने मेंटेन कर लिया है अपना, तो ये आपका लाइफ टाइम के रहेगा, ये कभी भी आपको यहाँ पे से डाउनफॉल नहीं मिलने वाला। ये चीज आपकी यहाँ पे क्लियर हो जाती है। दूसरा, आपने इसके प्रोडक्ट्स बोले, जैसा कि एलोवेरा आपने बोला कि आपके घर में भी यूज किया जाता है। जी बिल्कुल, आपके जो भी प्रोडक्ट्स इसमें हैं वो आपके सभी प्रोडक्ट्स घर में यूज किए जाते हैं, लेकिन ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपके न्यूट्रिशन, मतलब कि जो आपके सप्लीमेंट्स, जो आपके खाने को कमी को पूरा करते हैं। ठीक है, तो एलोवेरा आपके घर में भी मिलेगा, लेकिन जो रेक्स सर हैं, जिन्होंने इस कंपनी को बनाया, उनका नाम है रेक्स मॉक सर, ठीक है, इन कंपनी ने उन्होंने वर्ल्ड की 400 तरीके की प्रजातियां देखी एलोवेरा की। आप सपोज करो कि एक चीज है वो सेम है, लेकिन वो 400 तरीके की, 400 टाइप्स हैं उसके, उन्होंने देखा कि इसमें से कहीं टाइप तो इसकी ऐसी है जो जहरीली है, ठीक है, पॉइजन है जो बिल्कुल, लेकिन उसमें से जो वन ऑफ द बेस्ट चीज थी उन्होंने वो फाइंड आउट करके उसकी खेती करी और उस बिजनेस को वहां से ग्रो करना स्टार्ट किया। ठीक है, मतलब उस एलोवेरा को वहां से उगाया, एलोवेरा के स्टार्ट उन्होंने, एलोवेरा के साथ उन्होंने इस प्रोडक्ट की स्टार्ट किया, इस कंपनी को स्टार्ट किया और धीरे धीरे सारे प्रोडक्ट्स में बढ़ाते गए। आप इस कंपनी का रिकॉर्ड देख सकते हो कि ये कभी भी डाउन में नहीं गई है, हमेशा इसकी ग्रोथ जो आप देख सकते हो, आप कंपनी की पॉलिसी रीड कर सकते हो, वहां पर जाकर देख सकते हो कि ये जो कंपनी है धीरे 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 ग्रोथ में ही आ रही है। जब स्टार्ट हुई एक कंट्री से स्टार्ट हुई, अमेरिका से स्टार्ट हुई, लेकिन धीरे धीरे करते करते इतनी एक्सपेंड हो गई कि आज ये 175 प्लस कंट्रीज में अपना बिजनेस रन कर। अब आपका कहना ये है कि आपको ये डाउट है कि फॉरएवर कहीं फ्रॉड तो नहीं है। अब आप ये सोचो, अगर फॉरएवर फ्रॉड होती तो क्या ये 170 प्लस कंट्रीज में आ पाती? ये आपका क्वेश्चन, आपको खुद ही आपको आंसर मिल जाएगा इस चीज का जब आप ये सोचते। तो आपको क्लियर हो गया कि फॉरएवर फ्रॉड नहीं हो सकती, क्योंकि 170 प्लस कंट्रीज में ये बिजनेस आया है, गवर्नमेंट में ने अप्रूव किया है, जितने भी इसके प्रोडक्ट हैं उसको सर्टिफिकेशन मिले हुए हैं, एलो साइंस के हलाल सर्टिफिकेशन और ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेशन हैं जो आसानी से किसी भी प्रोडक्ट्स पे नहीं मिलते हैं। तो ये कंपनी को आप फ्रॉड तो बिल्कुल नहीं कह सकते मेरे हिसाब से, आपको ये चीज क्लियर हो गई। यस राइट, तो बिल्कुल ठीक कहा आपने, 170 प्लस कंट्रीज मतलब ये तो बहुत बड़ा नंबर है, तो अगर इतने सारे कंट्रीज में है तो ये फ्रॉड तो हो सकती नहीं, तो ये मेरा डाउट तो क्लियर हो गया है, जो फैक्ट है वो तो फैक्ट है। यस, और यस, जिनके वीडियो देखे मैंने जो नेगेटिव बात कर रहे हैं, तो वो भी आई थिंक उन्होंने खुद का पर्सनल तो लेवल क्लियर नहीं किया कि क्या लेवल पे है वो, लेकिन फॉर श्योर वो कोई लेवल पे अचीव नहीं कर पाए होंगे इसलिए बता रहे होंगे। राइट, तो ये भी क्लियर हो गया मेरा डाउट। यस यस नेहा जी, तो इसके बारे में यस, तो डाउट तो मेरे क्लियर तो हो गए। ओके, तो गाइस इन केस आप बिजनेस करना चाहते हो मेरे साथ, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो मेरे नंबर पर 9773637970 थ्रू व्हाट्सएप और बाय कॉल। और इन केस आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।